हैं तो सच्चरित्र आप लोग मंच पर देखने जा रहे हैं। सखियों के द्वारा श्री राम जी के दूल्हे वेश का वर्णन आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत है और आप हैं हमारे बिंदा मस्ताना जी और महेश मस्ताजानी कनौलवी वालों की ओर से 21 पशुमुद्राएं और आप हैं हमारे सतीश वर्मा जी और सतेंद्र कुमार और सुशील कुमार जी और योगेंद्र राजपूत जी और हमारे योगेंद्र राजपूत जी और राजू विधायक जी मुस्कुरा उनकी तरफ से 50 पशुमुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और देखिए चूंकि धीरे धीरे ग्राम कंधौली की परंपरा विलुप्त हो चली थी लेकिन नए नए कलाकार फिर से तैयार हुए और देखिए बड़ी ऊंचाई तक धीरे धीरे नए नए कलाकार गांव का नाम फिर से ऊंचा कर रहे हैं और इसका मुख्य श्रेय जो हमारे यूट्यूबर हैं ये पूरे क्षेत्र में जाकर के लीलाओं को प्रसारित करते हैं। हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली दूरदर्शन, स्टार स्टूडियो मुस्कुरा आदि जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल वाले हैं सभी को साधुवाद है। हा जना के जाति आप कैसे निवेदन है क्योंकि यहाँ से पुरानी लीला शायद अपने क्षेत्र में कहीं पर हो और इतना बड़ा मंच शायद कहीं पर हो। सही है, आप लोग जानकार हैं तो ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं और हम भी चाहते हैं कि समय का सदुपयोग हो क्योंकि आज की लीला में समय की बहुत कीमत होती है और बहुमूल्य 10 मिनट का जो समय निर्धारित किया गया है 10 मिनट के अंतराल में दूल्हे सरकार की निछावरी ये जरूरी होती है क्योंकि दूल्हे राजा बैठे हैं तो जरूर आकर के सम्मान करें। हमारी समिति के लोग जो सयाने लोग हैं और जो पुराने लोग हैं कई वर्षों से भगवान की लीला को करवा रहे हैं जुड़े हैं ऐसे सभी पुराने लोगों से भी अनुरोध है कि माताओं बहनों के साथ साथ आप भी आइए। धन्यवाद। लीजिए व्यास जी ने जैसा बताया कि नवरस की झांकियों में सबसे झांकी दूल्हा सरकार की आप लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग जयकारा लगाएं प्रेम से बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। देखिए ताली बजा करके जयकारा लगाएं सभी माताएं बहनें और सभी भाइयों ताली बजाइए सभी भाइयों ताली बजाइए एक बार बजाइए देखिए बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। लीजिए सुने सखियों के द्वारा मंगल भाव गीत और इनके बारे में वर्णन और लीजिए हमारे सभी कमेटी के पदाधिकारीगण प्रधान जी दद्दा जी सभी लोग आकर के और सभी ग्रामवासी माताएं बहने सब लोग आकर इनका मान सम्मान निछावरी करें। सुने सुने आली भाव है हमारे क्या भाव है तुम्हारे कि हम मेरे मिथिला नगर में धारो दूल्हा से और ताकि यही उपासना कि रखियो हमें से इसीलिए सखी कहा था कि खान पान का ध्यान दिया करो। हमको आज 41वां दिन है बताओ कोई दिक्कत समझ में आई हो नहीं आ सकती ना खान पान बिल्कुल कंप्लीट रखे। धन्यवाद। और कि अन्य ब्याही उलसी फिरे ब्याही मीजे हाते अगौने की मौनी बड़े सुंदर भाव सखी की आप लोगों ने सुना
अनव्याई होलसी फिरे ब्याही मीजे हाथ, गोने की मोने हुई देख रूप रघुनाथ। इनके कहने का मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ इनका रूप देख करके, प्रभु का रूप देख करके, ये रूप देख करके कह रही हैं वो सखियां कि मेरा विवाह इनके साथ में होगा हो जाए। जिनका विवाह हो गया गौना नहीं हुआ वो सोचती चलो विवाह हो गया हो जाने दो, पर गौना इनके साथ में हो जाए और विवाह गौना दोनों साथ में हो गए तो बेचारी हाथ मीज रही है कि अब तो हम कहने लायक कुछ बची नहीं है। मैं भी कहूंगी इनके बारे में क्या, ये जाति पाहुने ये जात जात में जात और इनकी जात अजात है, सुसबे जात मिल जात। इनकी कोई जात नहीं, जो इनको प्रेम से बुलाए जो भाव से बुलाए ये उनके पास पहुंच जाते हैं। सही कहा, ये केवल हमारे दुल्हा नहीं सबके दुल्हा है। बहन चाहूंगी देखो कौन बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के दरबार में आते हैं, बड़े भाग्य की बात हुआ करती है। अरे भैया कम से कम एक दो लोग आ जाइए, हाँ ज्यादा लोग ना आए दो लोग तो आ ही जाए, चाहे हमारी माताएं आ जाए, बहने आ जाए या बुजुर्ग आ जाए, कोई भी आवे दूल्हे सरकार की निछावरी जरूर कर जाए। पैसा ले आई हो तो पैसा लेकर के, नहीं है तो जेवरात चढ़ा जाए, जेवरात नहीं है तो अपने अपने लड़का बच्चा दे जाओ, लड़का बच्चा नहीं है तो स्वयं आके आ जाओ चढ़ जाओ। सही है, बहन कहूंगी बर में ऐसा और ना बरू, कैसा ऐसा जो बरबराते बरबराते एक दिन बर जाएगा इस संसार से। क्या बात है भाई, 21 मुद्राएं कर और देखिए 21 पश मुद्राएं हमारे ताशु गुप्ता जी उनकी ओर से भगवान की निछावरी, बहुत बहुत साधुवाद है भैया को, धन्यवाद। देखिए आइएगा सभी लोग दूल्हे सरकार के सम्मान करने के लिए, हमारे भाई जी आए, 21 मुद्राओं से निछावरी की गई। कहूंगी आली पर में ऐसा ना बरू जो जन्म ले तू मर जा। और देखिए हमारे राजू विधायक, जय हो विधायक जी, ये विधायक है नहीं केवल नाम है, तो एक दिन विधायक जरूर बनेंगे परमात्मा की कृपा होगी तो। क्या बात है, इन चार मुद्राओं से हमारे विधायक जी दूल्हे सरकार का सम्मान कर रहे हैं और 11 मुद्राएं से हमारे दादाजी, बहुत साधुवाद धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री रविंद्र सक्सेना जी, अध्यापक भस्मानंद इंटर कॉलेज नवादा, हमारे संजय आचार्य जी के छोटे भाई हैं, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राओं से दूल्हे सरकार की निछावरी। बा भाई बहुत साधुवाद। और हमारी ये चाचा जी इनकी ओर से 21 मुद्राओं से भगवान की निछावरी, सभी को आना चाहिए। और जी हाँ ये हमारे 8 वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राओं से भगवान की निछावरी, बहुत बहुत साधुवाद 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 धन्यवाद। देखिए वही हमारे दादाजी उनकी तरफ से भी 100 मुद्राओं से दूल्हे सरकार का सम्मान किया गया, बहुत साधुवाद। देखिए सभी को आना चाहिए बर में। और आप हैं डॉक्टर श्री नवनीत पाल जी जो राठ में कार्यरत हैं, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं दूल्हे सरकार की निछावरी प्रदान की जा रही है। और श्री संतोष तिवारी जी की ओर से दूल्हे सरकार की निछावरी की गई, 51 मुद्राएं व्यासपीठ के कलाकारों को भी प्रदान किए गए, धन्यवाद। देखिए बल में ऐसा ना बरू जो जन्म लेती मर जा, बल बर लूं श्री राम को मोरी चुरिया या मर हुई जाए। क्या बात है, ऐसा बर बरना चाहती हूँ कि जाके चुरिया मर हो जाए। सही कहा, आली कहूंगी तो ले धनुषी बना ठारोरी को चोरी तो मिलाए चोरी तो मिलाए, सहारी को चोरी
भाई असेंद्र राजपूत भाई कंट्रक्शन आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राओं से दूल्हे सरकार की निछावरी की गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद भाई हमारे भाई जी को। और दत्ता जी आप भी आइए दूल्हे सरकार का सम्मान करने के लिए। आहारी तो दो चार पांच माता बहने जरूर आ जाए मंच की मर्यादा रखने के लिए। बात पैसे की नहीं, बात पैसा लेकर के ना आए, लेकिन परमात्मा की निछौरी करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए अवश्य प्रदान ध्यान दे। हमारे महन अनुरागी जी उनकी तरफ से भी कीच प्रश्न उठ गए। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद अनुराग ना कटाओ कम से कम आ जाओ पांच अनुरागी जी को साधुवाद धन्यवाद भाई। और देखो हमारे आदरणीय श्री राजकुमार दत्ता जी मंच पर आवे ताकि प्रसंग आगे बढ़ जाए। क्या बात है, क्या बात है। आप आए तत्काल प्रसंग आगे। और माता बहनों से भी निवेदन है आप भी आए दोनों का धन्यवाद। देखो बात पैसे की नहीं है दत्ता जी, बात भाव की है। ये 50,000 रुपए है। हमारे दत्ता जी की तरफ से भी 51 मुद्राओं से दूल्हे सरकार का सम्मान किया गया। साधुवाद उड़त गुलाल सरकार की जय हो। बिल्कुल नाक कटा दी तुमने जाओ और लीजिए। अब यहां से हास्य रस की प्रस्तुति लेकर के, क्योंकि मिथिला में दीप दीप के राजा पधारे हैं, उनमें से एक राजा ऐसे भी हैं जिनके